वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है स्प्लेंडर प्लस BS6 वाला वेरिएंट और इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि सेल दबा रहा हूँ और स्टार्ट ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले हम बाइक में लगाएंगे OBD स्कैनर मशीन। तो गाइस मैंने कनेक्ट कर लिया, अब बाइक का इग्निशन भी ऑन है। सबसे पहले हम एंटर बटन दबाएंगे, ठीक से आ रहा है। उसके बाद हम एक बार ओके बटन दबाएंगे और यहाँ रेड कोड पे हम लोग चेकअप करेंगे। सबसे ऊपर एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ हम लोग को बता रहा है थ्रोटल पैनल पिस्टन सेंसर स्विच एंड सर्किट लो। तो थ्रोटल का मतलब है गाइस यहाँ हम लोग का दिया जाता है TP सेंसर या मैप सेंसर, सभी सेंसर यहाँ दिया जाता है। तो एक्चुएटर की तरह ये काम करता है, तो ये सेंसर हम लोग का ख़राब बता रहा है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हालत किया है एक मैकेनिक ने। कोई भी मैकेनिक शायद इसको खोला है और खोलने के बाद कोशिश किया है जो इसके अंदर क्या है। तो हम लोग जो मैकेनिक है, मैकेनिक का काम है बिगड़ी हुई चीज़ को सही करना, बट उन्होंने क्या किया है सही चीज़ को बिगाड़ना, ऐसा किया इसको यहाँ से गोल से काटा है एक्चुएटर को। काटने के बाद ये हम लोग और भी ख़राब हो गया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बाइक में देखिए चेक इंजन लाइट आ रहा है, देखिए अभी बाइक को स्टार्ट करेंगे गाइस, बाइक स्टार्ट है और चेक इंजन लाइट नहीं जा रहा है। और हम लोग को OBD स्कैनर मशीन से भी बताया जो हम लोग का थ्रोटल बॉडी जो पैनल है एक्चुएटर है ये हम लोग को ख़राब बता रहा है। तो चलो हमारे पास सेम मॉडल है स्प्लेंडर FI इंजन BS6, इसके एक्चुएटर खोलते हैं, इस बाइक में लगाते हैं। लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअली सही होता है कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअली इसको खोले कैसे या हम लोग को खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, सब बताऊँगा। तो वीडियो में जुड़ा रहिए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। यह है हमारा बाइक का, तो चलिए इसे हम लोग इग्निशन बंद है, चलिए देखिए एकदम सेम मॉडल है। अब यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ जो क्या किया है। देखिए कोई मैकेनिक ने इसे जैसे कि ओपन किया, इस ढक्कन को ओपन करने के बाद इसका हालत ख़राब किया है गाइस। तो हम लोग जो मैकेनिक है कोई भी सेंसर कोई भी एक्चुएटर को हम लोग खोल नहीं सकते क्योंकि यह सेंसर है, सेंसर इसके अंदर अगर ख़राब हो जाता है तो इस पार्ट्स को उसने खोल के देखा था, क्यों पता नहीं इसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता ये ख़राब हुआ था, बट यह खोल के और भी सब बिगड़ दिया। इसका वॉल्यूम सिस्टम जो है, हम लोग का थ्रोटल पोजिशन सिस्टम जो है, मैंने इसको देखा और इसका बहुत ही हालत ख़राब है। तो चलो इसको रखते हैं और हम अपने बाइक का इसमें लगाएंगे, एक्चुअली लगाने के बाद अपडेट करेंगे और बाइक में एक्चुअली हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं, चेक इंजन लाइट जा रहा है कि नहीं और बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं, सभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए तो चेक इन करता हूँ। बस बस कनेक्शन कर दिया है, अब फाइनल हम लोग बाइक को ये बताना है कि हमने एक्चुएटर लगा दिया है मैप सेंसर। बाइक को बताना, इशू कंट्रोल यूनिट को बताना है कि हमने बदल दिया है, वरना चेक इंजन लाइट हम लोग का बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ चेक इंजन लाइट, इसको लगाने के बाद भी आएगा, स्टार्ट करूँगा। देखिए चेक इंजन लाइट बंद नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको बंद करते हैं। अभी पहले बाइक को अपडेट करना पड़ेगा। ओके ओके इरेज कोड पे ओके, एक बार और एक बार और बस। अब हम बाइक को एक बार ऑफ ऑन करेंगे, तो चलिए इग्निशन को ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, ये इग्निशन सेल मारने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा है कि नहीं। तो गाइस ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट हम लोग का बंद हो गया है और बाइक का RPM देखो कितना हाई है, पूरा हाई है गाइस। अभी इंजन ठंडा है इसीलिए हाई हो रहा है।
8 mm का डाल दीजिए तो थोड़ा इसका ट्यूनिंग भी खराब करके रखा है, सब कुछ गड़बड़ा दिया है। इसमें जितना हम लोग को RPM आना चाहिए ना उतना नहीं आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ से इतना हम लोग यार ज़्यादा कम किया, ज़्यादा करने से फ्यूल ज़्यादा खाएगा। तो चलिए आप लोगों को तो दिखा दिया एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है, एक्चुएटर हम लोग का ख़राब हो चुकी है, हम लोग को बदलना पड़ेगा तभी हम लोगों का बाइक चली सही चलेगा। तो बंद करते हैं बाइक को। तो आप लोग कभी भी कोई भी सेंसर को खोलने का कटने का कोशिश मत कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। कोई भी सेंसर अगर ख़राब होता है तो आप लोगों को OBD स्कैनर मशीन बता देगा, अगर वह एक्सचेंज कर लीजिए। अगर आपको बताते हैं कि वो भी सेंसर ख़राब है, जैसे कि थर्मल सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, TP सेंसर होता है, मैप सेंसर होता है, सभी सेंसर अगर खर जाएगा ख़राब हो जाएगा तो हम लोग को मैसिंग बता देगा। तो आप लोग मैसिंग खरीद लीजिए और आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा चीज़ ख़राब है। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जी, जो मैकेनिक भाई को पता चले कि कोई भी सेंसर अगर खोले तो सेंसर और भी हम लोग का ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग कुछ अलग सीखे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई को यूट्यूब चैनल के साथ।